हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड ड्रेनेज चैप्टर पढ़ेंगे। अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मैप को, मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि कई दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर से होता हो। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपहा द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक यानी कि वाटर डिवाइड कहते हैं। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं वाटर डिवाइड का। डू यू नो, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, हिमालय की नदियाँ और सेकेंड, प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गारजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। आप यहाँ गर्ज का पिक्चर देख सकते हैं कैसे वो निकलती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रियाएं करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। मध्य और निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर, झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी कई निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्व विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। द इंडस रिवर सिस्टम, द हिमालयन रिवर्स। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं और कई महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ड्स का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है।
सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों यानी 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये मुख्य नदियां और झीलें इसमें बताई गई हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण कई साल उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आता है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, लेकिन ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। बाई और दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली जो इसकी एक वितरिका है। दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पौधों से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक का मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इन नदियों में कई बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पहले और सिंधु और सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, लेकिन इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है।
यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र कई धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत सी नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की कई नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा की मार्ग में परिवर्तन लाती है। द पेनिनसुलर रिवर्स प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली कई छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। द नर्मदा बेसिन नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गर्ज से बहती है और जहां ये नदी त्रिव ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण और मुख्यधारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। द तापी बेसिन तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से ये नदी बहती हैं। द गोदावरी बेसिन गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, माजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। द महानदी बेसिन महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। द कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। द कावेरी बेसिन कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी।
इसकी जोड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर और कोलार स्वर क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण ही एग्जाम्पल हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग पानी से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। लेक्स यानी कि झीलें, कश्मीर घाटी और प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों और शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे और वहां नौकायान, तैराकी और कई जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। इमेजिन कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वो उतने ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अलावा मानव के लिए कई कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्द वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत और अरल सागर? भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार और कई लक्षणों में अलग हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोड़ी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों द्वारा और उनके बर्फ के द्वारा होता है, चादर की क्रियाएं के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गौखर झील का निर्माण करती है। स्प्रिट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, जैसे कि राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोड़ी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी कुछ ऐसे ही मीठे पानी की झीलों का नाम है। आप यहाँ लोकताक झील देख सकते हैं पिक्चर में। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोबिंद सागर, भाखड़ा नंगल परियोजना। झीलें मानव के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती हैं और सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी।
संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का बहुत महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और कई मानव क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक लिस्ट तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। रिवर पॉल्यूशन नदी जल की घरेलू औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इनका आयतन बढ़ता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जैसे कि दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं है और कई नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए कई कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करिए।